नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख सभ्यता और स्रोत, उसी के अंतर्गत जो लोह युगीन सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसी के नेक्स्ट आज अध्ययन करेंगे। और आज सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो इसवाल सभ्यता के बारे में करेंगे। ये इसवाल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में विकसित हुई, या मैं कहूँ उदयपुर जिले में पनपी थी। कौन सी सभ्यता? इसवाल सभ्यता। ये इसवाल सभ्यता भी लोह युगीन सभ्यताओं में प्रमुख है। कौन सी? इसवाल सभ्यता। और इसवाल सभ्यता से यहाँ से ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं, तो वो केवल और केवल कहाँ से मिले हैं? इसवाल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये इसवाल सभ्यता, तो हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले किस सभ्यता के संदर्भ में, तो आज की जो पहली सभ्यता है वो कौन सी है? इसवाल सभ्यता। और इसवाल सभ्यता कौन से जिले में? तो ये उदयपुर जिले में स्थित थी, या उदयपुर जिले में विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? तो इसवाल सभ्यता। और ये जो इसवाल सभ्यता है, ये इसवाल सभ्यता कैसी है? तो ये लोह युगीन सभ्यता है। कैसी? लोह युगीन सभ्यता है। तो लोह युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा इसकी जो खोज की गई थी, खोज तो ये 200 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा ये जो इसवाल सभ्यता है, इसकी लोह युगीन सभ्यता है, खोज 200 ईस्वी में की, और इसे प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम मैं यहां लिख देता हूं, उपनाम। तो किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगर। तो प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसवाल को जाना जाता है। और यहां से जो अवशेष मिले हैं, तो जो अवशेष प्राप्त हुए, ये लोह युगीन सभ्यता के अवशेष है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो किसका है? तो यहां से ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं, दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इसवाल सभ्यता से प्राप्त हुए। इसवाल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर जिले में। ये लोह युगीन सभ्यता है, और इस सभ्यता की खोज 200 ईस्वी में की गई थी। और ये इसको क्राइसिस नाम से जाना जाता है, प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। और इसके अवशेष जो मिले हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं किसकी, तो वो है नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। देखो दोनों याद रखना है प्यारे दोस्तों, जो नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में, और नगर सभ्यता कौन से में है? तो नगर सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। कौन सी सभ्यता? ये नगर सभ्यता है, टोंक जिले में स्थित है। और जो नगरी थी, जिसको हमने माध्यमिका कहा था, माध्यमिका के नाम से जाना जाता, वो चित्तौड़गढ़ में थी। तो ये नगर सभ्यता कहाँ पर है? तो नगर सभ्यता भी ये टोंक जिले में, और ये भी लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। और इसकी जो खोज की गई थी, तो नगर सभ्यता की खोज 1967-68 में की गई थी। कब? तो इसकी खोज जो की गई थी नगर सभ्यता की, वो 1967 ईस्वी में की गई थी। और इस सभ्यता का उपनाम क्या है? तो इसे उपनाम, तो इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता? खेड़ा सभ्यता। इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। कितने के? तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से? तो ये 6000 तांबे के सिक्के नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये जो तांबे के सिक्के हैं ना, ये किसके हैं? तो ये मालव जनपद के हैं। किसके हैं? जनपद। तो ये मालव जनपद के सिक्के हैं। और यानी अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के प्राप्त हुए हैं, तो यानी मालव जनपद के प्राप्त हुए हैं। कितने? सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक सिक्के अगर प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन से जनपद के हैं? प्राप्त हुए हैं।
तो सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के प्राप्त हुए प्यारे दोस्तों? तो मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मालव जनपद के अंतर्गत कौन सी जाती है? तो नगरी सभ्यता आती है। और नगरी सभ्यता कहाँ पे थी? नगरी सभ्यता थी टोंक जिले में। अच्छा, यहाँ से 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कितनी मूर्तियाँ मिली हैं? तो नगरी सभ्यता से यहाँ से 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कितनी? 3 मूर्ति मिली है। और जो 3 मूर्ति मिली है ना, उनमें एक तो है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। किसकी? महिषासुर मर्दिनी। तो एक तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, दूसरी यहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की। और कैसी मूर्ति है ये? तो ये खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है, खड़ी मूर्ति है। तो लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसने क्या है? कमल धारण किया हुआ है। क्या? कमल धारण किया हुआ है, धारण किए हुए है, किए हुए है। तो कमल धारण किए हुए। इसके अलावा एक जो मूर्ति मिली है, तो वो मिली है रति कामदेव की। किसकी? रति कामदेव। तो यहाँ से 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है जो कमल धारण किए हुए, और एक रति कामदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पत्थर पे अंकन किया गया है। तो यानी 3 मूर्तियों का अंकन किया गया है। तो पत्थर पे अंकन कर करके, यानी उस प्रकार से टांकी छेनी से उसको अंकित करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो पत्थर पर अंकन करके जो मूर्ति बनाई गई है, किस पर? पत्थर पर, पत्थर पर अंकन करके, अंकन करके। तो पत्थर पर अंकन करके जो किस किस का अंकन किया गया है? तो पत्थर पर अंकन, एक तो गणेश जी का, गणेश जी की का पत्थर पर अंकन किया गया है। इसके अलावा एक दुर्गा देवी का किया गया है। किसका? दुर्गा देवी का किया गया है। और एक नाग का किया गया है। किसका? तो गणेश जी का, दुर्गा देवी का, और एक फनधारी नाग का अंकन किया गया है। किसका? तो फनधारी नाग, फनधारी नाग का अंकन किया गया है। तो फनधारी नाग का अंकन किया गया है। इसके अलावा ये आपको याद रखनी थी, इस सभ्यता के संदर्भ में नगरी सभ्यता टोंक में ये लोह युगीन सभ्यता थी। खोज कब की गई थी? तो 67-68 में। उपनाम इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसको? नगरी सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? नगरी सभ्यता से मिले। और ये किस जनपद के थे? तो मालव जनपद के सिक्के हैं। किस जनपद के हैं? मालव जनपद के। यानी सर्वाधिक सिक्के अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं तो कौन से जनपद से? मालव जनपद से प्राप्त हुए हैं। मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा 3 मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, एक लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति जो कमल धारण किए हुए, और एक रति कामदेव की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा इनकी जो सिक्कों की खोज की गई थी, ये की गई थी कार्लाइल के द्वारा की गई थी। सिक्कों की जो खोज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन सिक्कों की जो खोज की गई थी, यहाँ खोज, तो किसके द्वारा? तो ये की गई थी लाइल, कार्लाइल नाम का एक व्यक्ति था। इस कार्लाइल के द्वारा इन सिक्कों की खोज की गई। यहाँ पे पत्थर पे उकेरी गई है, यानी पत्थर पे अंकन किया गया है। तो कौन कौन सी? एक तो गणेश जी की मूर्ति, एक दुर्गा देवी की, और एक फनधारी नाग का। तो इस फनधारी नाग का, गणेश जी की मूर्ति का, और एक गणेश जी और क्या बोलते हैं दुर्गा देवी की मूर्ति का जो अंकन किया गया पत्थर पे, यानी टांकी छेनी से उस पे अंकित की गई है। तो ये थी कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता के संदर्भ में। तो 2 सभ्यताएं हो गई, कौन कौन सी? एक तो इसवाल सभ्यता और एक नगरी सभ्यता। अब नेक्स्ट आती है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा सभ्यता, ये तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है प्यार दोस्तों? तो ये है बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? तिलवाड़ा सभ्यता। तो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में। और तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी पूछा जाए? तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका समय पूछा जाए तो ये समय क्या है? तो 500 ईसा से लेकर के, और ये
200 ईसा पूर्व की है। कितना इसका टाइम पीरियड? 500 से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, इसकी खोज की गई थी वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा। और इसका यहाँ पे उत्खनन पूछ लिया जाए, उत्खनन, तो उत्खनन 1967-68 में किसके द्वारा? ये वीएन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? वीएन मिश्र और एक डेविडसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो वीएन मिश्र और एक डेविडसन के द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रखना, वीएन मिश्र इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। इसके अलावा इस जो सभ्यता है, यहाँ से एक अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? एक अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है। और ये जो अग्निकुंड मिला है ना, इस अग्निकुंड में मानव की और पशुओं की दोनों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसमें मानव प्लस पशु हड्डियों के अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो मानव और पशु की हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले? तिलवाड़ा बाड़मेर से मिले। इसके अलावा यहाँ से कांच की और सीप की चूड़ियाँ मिली हैं। किस किस की? एक तो कांच की और सीप की चूड़ियाँ मिली हैं, कि चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, कांच की और सीप की चूड़ियाँ मिली हैं। और इसके अलावा यहाँ से लोहे के अवशेष मिले हैं, लोहे के टुकड़े मिले हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, अवशेष या टुकड़े प्राप्त हुए हैं, टुकड़े मिले हैं। तो ये हमको याद रखना था कि सभ्यता के संदर्भ में तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। और इसका समय क्या था? तो ये 500 से 200 ईसा पूर्व की सभ्यता है। खोज एनवी मिश्र के द्वारा, उत्खनन 1967-68 में एनवी मिश्र के द्वारा किया गया। लोहे के टुकड़े मिले हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है जिसमें मानव और पशु की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, और कांच और सीप की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो ये कौन सी सभ्यता थी? तो ये सभ्यता थी तिलवाड़ा सभ्यता। तो इनके बारे में आपको याद रखना था, एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं? तिल ईसवाल सभ्यता, नगरी सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता। ईसवाल सभ्यता, ये ईसवाल सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी। खोज 200 ईस्वी में, उपनाम प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। और अवशेष यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं। नगरी जो सभ्यता है प्यारे दोस्तों, ये भी लौह युगीन सभ्यता है। इसकी जो खोज 67-68 में, उपनाम ये खेड़ा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं जिनकी खोज किसने की? कार्लाइल ने। कार्लाइल किसने है? कार्लाइल। और ये किस के हैं? तो मालव जनपद के हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले? मालव जनपद से प्राप्त हुए हैं। मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से, एक तो महिषासुर मर्दिनी की, एक लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली है जो कमल धारण की है, और एक रति कामदेव की मूर्ति मिली है। इसके अलावा पत्थर पे अंकन करके बनाई गई है गणेश जी, दुर्गा देवी और फनधारी नाग की मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता जो लूनी नदी के किनारे, और ये 500 से 200 ईसा पूर्व, इसकी खोज एनवी मिश्र के द्वारा की गई। उत्खनन 1967-68 में एनवी मिश्र, और लोह के टुकड़े मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं जिसमें मानव और पशुओं की हड्डियों के अवशेष, और कांच और सीप की चूड़ियों के अवशेष भी मिले। तो ये थी सभ्यता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ये स्पेशल राजस्थान पुलिस और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के स्टूडेंटों के लिए थी। और जो भी फ्रेंड आपके चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे पे, तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।